हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, आज हम कक्षा 6 का बच्चों मैथ्स करेंगे। चैप्टर हमारा चल रहा है फ्रैक्शंस, तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो है तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और कैसे करते हैं, उसको कैसे लिखते हैं, ये सब हम कल की क्लास में कर चुके हैं। और दूसरा जो हमने किया था वो था सरलतम रूप, किसी भी भिन्न को आप सरलतम रूप यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी हमने की थी। और इसके आधार पे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, छायांकित भागों के लिए भिन्नों को लिखिए और प्रत्येक पंक्ति में से तुल्य भिन्नों को चुनिए। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये एक्सरसाइज आपकी 7.3 है, सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे छायांकित भाग आपको दिए हैं, इसमें से आपको क्या करना है, भिन्नों को लिखना है और प्रत्येक में से तुल्य भिन्नों को चुनना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको लिखेंगे भिन्नों को। तो बताइए मुझे, जो पार्ट ए है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले टोटल भाग कितने हैं, कुल भाग कितने हैं। यहाँ पे ए को लिखेंगे तो कुल भाग इसके 2 हैं, तो जो टोटल पार्ट होते हैं वो हम नीचे लिखते हैं और न्यूमरेटर में क्या लिखते हैं, जो पार्ट छायांकित है वो लिखते हैं, यानी एक एक हिस्सा क्या है इसका, शेडेड है, तो 1/2 आ गया। अब देखिए अगर हम बी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल पार्ट्स आप देखेंगे इस ब्लॉक के हमने कितने किए हैं, तो 1, 2, 3 ऊपर है और 3 नीचे है, मतलब 6। तो कुल हिस्से हो गए 6। और छायांकित भाग कितने हैं, छायांकित भाग देखेंगे तो हमें 4 नज़र आते हैं, तो ये 4/6 हो गया। अब सी वाला देखेंगे, सी पार्ट, तो यहाँ पे टोटल हिस्से हम देखेंगे तो 9 हैं, टोटल पार्ट्स 9 हैं, 1, 2, 3 और 3 इस डायरेक्शन में हैं, 3 × 9 हो गया। तो टोटल पार्ट 9 है लेकिन शेडेड पोर्शन सिर्फ यहाँ पे 3 है, तो 3 लिख देंगे हम। अब डी में चलते हैं, डी में टोटल पार्ट कितने हैं गिन लेंगे, 1, 2, 3, 4 और इसका डबल हो गया 8, तो टोटल पार्ट तो 8 हैं लेकिन शेडेड सिर्फ 2 हैं। ई देखेंगे, अब ई में टोटल पार्ट 4 हैं लेकिन शेडेड कितने हैं, उसमें से 3 हैं, छायांकित भाग 3 है। अब इसका तो हमें पता लग गया ए बी सी डी ई, अब 1, 2, 3, 4, 5 इनका देखेंगे हम, इनको चेक करते हैं। तो जो फर्स्ट है उसकी फ्रैक्शन हम लिखेंगे, फर्स्ट की फ्रैक्शन लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे इसमें टोटल भाग कितने हैं और फिर हम लिखेंगे कि भाई छायांकित भाग कितने हैं। तो आपको काउंट करना है कि भाई जो फर्स्ट है उसमें कुल भाग कितने हैं, कुल पार्ट कितने हैं और फिर जो छायांकित पोर्शन है वो कितने हैं, ये आप यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो इसको एक बार आप काउंट करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल बॉक्स 9 है, ठीक है। तो हर बॉक्स का क्या किया हुआ है, इसमें 2-2 हिस्से किए हुए हैं, तो इसमें अगर टोटल कितने हैं, 9 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, जो शेडेड पोर्शन है वो लिख देंगे, तो यहाँ पे शेडेड पोर्शन कितने आएंगे, आप देख सकते हैं कि टोटल इसके 9 हैं और हर पार्ट जो है उसके हमने यहाँ पे देखिए 2-2 हिस्से किए हुए हैं, ये दिख रहे हैं, हर पार्ट के यहाँ पे 2 हिस्से किए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल कितने हो गए, 9 × 2 = 18, तो टोटल 18 हो गए, ठीक है। और जो शेडेड पार्ट्स हैं अब वो देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गए, ठीक है। अब इसी तरह आगे के करेंगे हम, तो नेक्स्ट वाला क्या है, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4 और 4 8 हो गए, ठीक है। तो टोटल पार्ट तो 8 हो गए और इसमें शेडेड कितने हैं, शेडेड हैं 4, शेडेड 4 हैं। और जो तीसरा वाला देखेंगे हम, तीसरे वाले में कितने हो गए,
टोटल हिस्से हम काउंट कर लेंगे, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार, चार चौक 16 हो गए, ठीक है। थर्ड वाले में टोटल पार्ट तो हो गए 16, और जो शेडेड हैं वो देखेंगे, लेकिन शेडेड ज़्यादा हैं और जो शेड नहीं है वो कम है, तो जो शेडेड नहीं है वो गिन लेंगे, ये हैं सिर्फ 4। तो हम जो शेडेड नहीं है उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 4/16। अब इसके बाद अगर हम करते हैं तो नेक्स्ट वाला देखिए, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे शेडेड पोर्शन हम देखेंगे, नेक्स्ट वाला फोर्थ देखिए, इसमें आप टोटल पोर्शन देखेंगे पहले, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 × 2 = 12 हैं टोटल हिस्से इसके, 12 हैं, ठीक है। और जो छायांकित नहीं है वो गिनेंगे, तो एक दो तीन चार हैं, तो 4 छायांकित नहीं है, तो छायांकित कितने होंगे बच्चों, देखिए यहाँ इसमें भी थोड़ी सी ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये 4 नहीं होगा बच्चों, हमें तो छायांकित भाग देखने हैं यहाँ पे, तो छायांकित भाग कितने हैं, 4 तो जो छायांकित नहीं है वो हैं, तो छायांकित भाग तो 12 होने चाहिए। इसी तरह इसमें छायांकित भाग कितने हैं, सिर्फ 4 हैं, तो जो छायांकित नहीं है वो कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, कितने 8 होने चाहिए, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब फिफ्थ देखिए, फिफ्थ में टोटल पार्ट्स आप काउंट करेंगे, टोटल पार्ट कितने हैं वो देखिए, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 4 × 8 आ गए, ठीक है। और देखिए हर ब्लॉक का फर्स्ट की तरह इसमें भी डबल किया हुआ है, मतलब ये कितना हो गया, ये हो गया यहाँ पे 16, टोटल पार्ट 16 हो गए। अब शेडेड पोर्शन हम देख लेते हैं, तो 1, 2, 3 और 4 शेडेड पोर्शन तो सिर्फ 4 हैं यहाँ पे, तो ये आ गए बच्चों फर्स्ट ए बी सी डी ई इसकी फ्रैक्शन, और आ गई फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ की भिन्न यहाँ पे आ गई हैं। इनको अब आपको क्या करना है, इनको आपको मैच करना है। अब मैच कैसे करेंगे, आप देखिए हर किसी की आप सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल लीजिए, यानी सरलतम रूप निकाल लेंगे सभी भिन्नों का, और देखेंगे कि भाई सरलतम रूप जो निकाला है, फॉर एग्जांपल जैसे पहले वाला आप देखेंगे, फर्स्ट जो पार्ट है इसका वो देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 1/2 है, ये जो ए है ये है 1/2। अब बताइए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इनमें से 1/2 कैंसिल आउट करने में किसका आ रहा है, ये आप चेक करेंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं सरलतम रूप में लिखूं, 4 × 4 = 8, तो जो सेकंड है वो भी 1/2 आ रहा है, ठीक है, 1/2 आ रहा है, वैसे कितना था, 4/8 था, 4/8 था, तो ये दोनों क्या हो गए, ये हमने बता दिया कि भाई ये दोनों तुल्य भिन्न हैं, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी आपकी तुल्य भिन्न हैं वो आपको साथ साथ में लिखनी है, तो इसको आप मेंशन करिए, कैसे लिखेंगे आप, तो इसको आप आगे सॉल्व कीजिए, इनको मैच करके लिखिए और मुझे बताइए कि क्या आंसर होगा, कौन सी भिन्न किसके साथ मैच करेगी। तो देखिए बच्चों, इसी तरह आप बाकियों के भी सरलतम रूप निकालेंगे तो क्या आएंगे, अब बी बी देखेंगे हम, तो बी किससे कैंसिल आउट हो रहा है, बी हो रहा है भाई 2 से, 2 × 4 और 2 × 3 = 6, कितना आ गया, ये 2/3 आ गया, बी आ गया 2/3। अब इनमें से किसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 2/3 आएगा, ये हम देखेंगे। तो देखिए अगर हम फोर्थ वाले पे चलते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 × 8 = 4 × 3 = 12, तो ये भी 2/3 आ गया, तो कौन सा है, फोर्थ, फोर्थ भी 2/3 आ जाता है। इनकी हम एक्चुअल भिन्न लिख देते हैं, दोनों की जो एक्चुअल भिन्न है वो है 4/6 और एक है 8/12, इनको आप कैंसिल आउट करेंगे तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखिए, सी सी में अगर कैंसिल आउट करेंगे तो 3 × 3 = 3, 3 × 9 = 9 हो गया, और
इसके साथ कौन सा मैच हो रहा है, 6 एकम 6 और 6 3 18, 1/3 ये भी आ रहा है, तो फर्स्ट बोल सकते हैं आप कितना, 6/18। डी देखेंगे हम, डी क्या है, 2/8 यानी 1/4 लिख सकते हैं आप, तो 2/8 किसके साथ मैच करेगा, 2/8। देखिए अब इनको सरलतम रूप में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 4 एकम 4 4 चौक 16, तो 4/16 आप बोल सकते हैं फिफ्थ वाला, ठीक है। अब कौन सा बचा, अब तो एक ही बचा, ई के साथ कौन सा होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, इस ई के साथ कौन सा होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए बच्चों, ठीक है, सेकंड तो हमने कर दिया ए के साथ। तो इस तरह से इनको मैच कर सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि भाई तुल्य भिन्न कौन सी हैं, वो हमें पता लग गया है कि ए के तुल्य भिन्न कौन सी है, ए के तुल्य है सेकंड, कौन सी है सेकंड। इसी तरह बी के तुल्य कौन सी है, फोर्थ, सी की तुल्य कितनी है, फर्स्ट, और डी की तुल्य भिन्न कौन सी है, फिफ्थ, ई की थर्ड। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे बोला गया है कि भाई निम्न में से प्रत्येक में बॉक्स दिया हुआ है आपको, बॉक्स को सही संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए, सही संख्या आपको यहाँ पे भरनी है। तो ये किस तरह का क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए ये आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, ठीक है। अब पार्ट ए देखेंगे, 2/7 है। अब यहाँ पे क्या है, ये तुल्य भिन्न का ये पार्ट है, क्या है, तुल्य भिन्न का पार्ट है, तो इसमें क्या बोला गया है कि भाई अगर न्यूमरेटर में 8 है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये आपको बताना है ना, न्यूमरेटर में 8 है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा। और दूसरी चीज हमें यहाँ पे ये पता है कि ये 2/7 है, 2/7 है, और 8/ जो भी हो हमें नहीं पता, लेकिन ये दोनों तुल्य भिन्न है, ये चीज समझ में आई, ये दोनों तुल्य भिन्न है। क्यों तुल्य भिन्न है, क्योंकि भाई यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि 2/7 बराबर है 8/ जो भी यहाँ पे नंबर आएगा उसके, मतलब ये तुल्य भिन्न है, इतना तो हमें पता लग गया, ये चीज समझिए आप। अब देखिए यहाँ पे बॉक्स की जगह हम क्या भर पाएंगे, वो निकालने की, वो फाइंड आउट करने की हम कोशिश करते हैं। तो मुझे बताइए आप कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे प्राप्त हो जाए, ऊपर तो 8 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में चाहे कुछ भी मिल जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए न्यूमरेटर में बताइए पहले तो कि 2 में कितना मल्टीप्लाई करूं कि 8 मिल जाए, सोचिए 2 का पहाड़ा आता है, 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी 4 2 3 6 2 4 8, मतलब 2 को अगर 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो अब नीचे हमारी मजबूरी हो जाती है 4 से मल्टीप्लाई करना, डिनोमिनेटर को भी हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन की बात करें तो भाई फ्रैक्शन का रूल ये होता है कि अगर न्यूमरेटर में हम किसी संख्या का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी दूसरे से नहीं करेंगे। और यही चीज़ होती है अगर हम हर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम अंश में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर है। अब इसको अगर मल्टीप्लाई आप करते हैं तो ध्यानपूर्वक देखिए कि भाई 7 × 4 कितना होता है, 28 होता है, कितना होता है, 28 होता है। तो आपको पता लग गया अब यहाँ पे कितना आएगा बॉक्स में, 28 आएगा। इसी तरह बाकी जो भी आपकी संख्याएं हैं सबको आप ऐसे ही प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब सिंपल आपके लिए होंगे ये, देखिए फटाफट इनको कर लेते हैं, 5/8 है, 5/8 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि 10/ या नीचे तो कुछ भी आ जाए, तो ये मुझे बताइए। अब देखिए 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आ जाए, 2 से, तो 8 को भी 2 से ही करना पड़ेगा, बिना पूछे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना आ जाएगा ये 8 × 16 आ जाएगा।
इसी तरह कोई भी क्वेश्चन आपके सामने हो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, 3/5 है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इस बारी क्या है, अंश में हमें बताना है क्या आएगा, लेकिन हमारे पास हर में क्या है वो दिया हुआ है 20 है। यानी अब देखना पड़ेगा, पहले तो हम न्यूमरेटर को देखते थे जैसे 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें, लेकिन अब हम देखेंगे कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। तो 5 को तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो गया 5 चौके 20, तो 3 को भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाता है, कितना 12 हो जाएगा। तो बॉक्स में क्या आ जाएगा आपको पता लग गया। इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, तो डी है 45/60, और यहां पे आ गए न्यूमरेटर में 15 और डिनोमिनेटर में हमें पता नहीं। तो देखिए, पहले तक अभी हम क्या कर रहे थे कि भाई 3 में कितना मल्टीप्लाई करें, या फिर 5 में कितना मल्टीप्लाई करना है, 2 में कितना मल्टीप्लाई करना है ताकि नंबर आ जाए। अब यहाँ पे बताइए, क्या 45 में कुछ भी मल्टीप्लाई करके हम 15 ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो अब क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है ना। हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई 45 के साथ ऐसा क्या करें कि 15 मिल जाए। तो 15 45 से छोटा है या बड़ा है, पहले तो मुझे बताइए। तो 45 15 से बड़ा है, यानी 15 45 से छोटा हुआ। अब अगर जैसे हम 5 कर रहे थे, 5 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आया, 2 से मल्टीप्लाई किया मतलब 5 से बड़ी संख्या आई। इसका मतलब ये है कि मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर से बड़ी संख्या ही मिलती है। अब मुझे बताइए कि आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें अगर छोटी संख्या चाहिए तो क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और इससे छोटी संख्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो अब हमें भाग करना है, तो भाग करके हमें 45 से छोटी संख्या मिलेगी। अब मुझे बताइए कि 15 कब मिलेगी, 45 को कितने से भाग करें कि 15 मिलेगी। तो आप सीधा या तो 45 को 15 से भाग करके चेक कर लीजिए, 15 3 45। तो अब हमें पता लग गया कि भाई अगर हम 15 को 45 को 3 से भाग करेंगे तो हमें 15 मिलेगा। ये तो पता लग गया। अब मुझे बताइए कि अगर आप 60 को कितने से भाग करना पड़ेगा, बिना सोचे समझे आप 3 लिख दे, क्योंकि न्यूमरेटर का हमें पता लग गया तो डिनोमिनेटर में तो कोई सवाल पूछने वाली बात ही नहीं है। न्यूमरेटर हमें पता है, डिनोमिनेटर का हम चेक कर लेंगे। अब 60 को 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये हमें पता करना है बस। तो ये तो हमें इजीली पता लग सकता है कि 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे क्या है, अगला पार्ट ई है, 18/24 है, इनको किसी से भाग करना पड़ेगा। तो ऊपर तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन नीचे 4 आना चाहिए। अब 24 को कितने से भाग करेंगे कि 4 आ जाए, तो 24 को 6 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 18 को भी 6 से ही भाग करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। न्यूमरेटर में 3 आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई बॉक्स दिया है, उसको फिल करना है, और वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं यानी तुल्य भिन्न है, तो आप या तो मल्टीप्लाई कर लेंगे या डिवाइड करके सेम आपको न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर लाना है दूसरा आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको क्या बताना है, 3/5, 3/5 आपको दिया है और बोला है कि इसके वह तुल्य भिन्न बताइए जिसका हर 20 है। इसको करके देखते हैं, देखिए 3/5 है, इसका हमें वह तुल्य भिन्न बताना है जिसका हर कितना है, 20 है। अंश हमें नहीं पता कितना है, तो अंश की जगह अगर मैं बॉक्स डाल दूं तो चलेगा। अब बताइए कि भाई इसको कितने से मल्टीप्लाई करें कि 20 आ जाए। 5 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 20 आ जाए, तो 4 से, 5 चौके 20 होता है,
तो तीन को भी चार से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा चार दिए 12, है ना इजी। इसी तरह आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे बी पार्ट और देखिए आप, यहाँ पे 3/5 ही लेना है यहाँ भी। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे अंश 9 आ जाए, हर हमें नहीं पता, अंश 9 आना चाहिए। तो देखिए 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो अंश 9 आएगा, तो सोचने वाली बात नहीं है, डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 5 × 3 = 15 आ जाएगा, ये 15 हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, सी है, यहां फिर से आपको हर के बारे में पूछा गया है, 3/5 है और आपसे पूछा गया है कि भाई हर 30 आना चाहिए, तो अंश हमें नहीं पता लेकिन हर का पता है कि ये 30 होना चाहिए। तो कैसे आप कर सकते हैं, आप 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए, 6 से करेंगे, तो 3 को कितने से करेंगे, 3 को भी 6 से ही करेंगे, तो 3 × 6 = 18 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/5 ही रहेगा ये तो, लेकिन यहाँ पे अंश है, अंश हमें पता है कि 27 है, तो हर कितना होगा ये आप बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है अंश, मतलब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आ जाए, 3 का टेबल आता है तो आपको पता होगा कि 9 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह सेम नंबर लिख देंगे। फिर आप 5 × 45 होता है तो ये 45 आ गया। ये इसके क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो, और कोई डाउट हो तो बच्चों आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद है आपको सभी समझ में आए होंगे। तो अभी हमने फोकस कर रखा कि भाई तुल्य भिन्न कैसे निकालते हैं, या फिर तुल्य भिन्न का डिनोमिनेटर दे रखा है तो न्यूमरेटर बताना है आपको, या फिर किस नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो पता लगाना है, या फिर सरलतम रूप कैसे निकालते हैं उसके भी हमने कुछ प्रैक्टिस किए। तो ये सब आप घर पे जाके अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप अगले क्वेश्चन अच्छे से कर पाएं। इसी के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।